हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज हम दोबारा निकल गए हैं एक सफ़र पे, और ये सफ़र थोड़ा अनोखा है, जानते हैं कैसे। तो आज हम तिनसुकिया के एक मंदिर चल रहे हैं, और उसके बाद जो अनोखी चीज़ है इस सफ़र में वो जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम सफ़र शुरू करते हैं। तो दुलिया जान वाले घर से तिनसुकिया तक के सफ़र में मुझे रास्तों में देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि गाय, बकरी, और धूप बहुत अच्छे से खिली हो तो सांप, कभी कभी बारिश। पर उन सब में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रास्तों के दोनों साइड दूर दूर तक फैले हुए इन टी गार्डन्स को देखने के लिए। आप भी बस इसे सोचिए, आप खिड़की के बाहर झांक रहे हैं, खिड़की खुली हुई है, अच्छी ठंडी हवा आपके चेहरे पे लग रही है, और सामने हरे भरे टी गार्डन। ओहो, आनंद। ओके, हम वापस आते हैं। तो बीच में मुझे मिली ये लोकल मार्केट, जहां आपको बांस का बना हुआ सामान मिलेगा, और बांस का सामान यहाँ बहुत फेमस है, जैसे कि ये टोकरी, डाला मतलब कि बैम्बू केन, सीप इत्यादि मिलेंगे। और इस मार्केट में तो एक पंडाल भी लगा हुआ है। अब आप अंत तक तो ज़रूर बने रहिएगा ये जानने के लिए कि आखिर ये पंडाल क्यों लगा हुआ था। ना जी ना, किसी की शादी नहीं थी। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ऐसा एक गाना भी है ना। गाना है तभी तो ट्यून आई। और हम आ पहुँचे हैं तिनसुकिया के श्री शिव धाम। आपने बोलबम यात्रा के विषय में तो सुना ही होगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि शिव भक्त या कांवरिया आसपास के शहरों से इसी मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। ये यात्रा अक्सर नाम रूप से शुरू होकर तिनसुकिया के इस मंदिर में समाप्त होती है। तो चलिए मेरे साथ हम भी करते हैं दर्शन इस मंदिर के। शिव धाम अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर के बीचों बीच एक कुंड है। फिलहाल तो इस कुंड के पानी को स्वच्छ करने की बहुत आवश्यकता है, ये बहुत गंदा हो चुका है। पर जब मैं बचपन में यहाँ आती थी ना, तो ये पानी एकदम साफ होता था और मछलियाँ अच्छे से नज़र आती थी। इस कुंड में ईल मछलियाँ हैं, और मुझे एक कछुआ भी नज़र आया था, परंतु मैं उसे कैमरे में आप सबके लिए कैद नहीं कर पाई। क्या करूँ, हाथ जोड़ के मुझे प्रार्थना करनी थी, तो उस समय फ़ोन को अंदर तो रखना ही पड़ता है ना। तो उसी दौरान मुझे वो कछुआ नज़र आ गया। अब वो बस मेरी यादों में है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इस मंदिर में कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं सजाई गई हैं। कॉरिडोर्स में जो गलियारे हैं उनमें उन देवी देवताओं के जीवन की कहानियों को चित्रित किया गया है। सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, श्लोक लिखे गए हैं, और ये देखिए कुंड के बीचों बीच महादेव की प्रतिमा है। देवों के देव महादेव की इस प्रतिमा में वह त्रिशूल के साथ बैठे हुए हैं। पहले इनकी जटाओं से गंगा बहती हुई भी दर्शाई जाती थी। ये मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर में कई स्तंभ हैं, सभी को खूबसूरती से उकेरा गया है। कहा गया है कि इस मंदिर के निर्माण के में तिनसुकिया जिले के सारे शिव भक्तों द्वारा किया गया था, अर्थात सारे शिव भक्त जो तिनसुकिया जिले के थे उन सब ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर में आपको कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलेंगी, जैसे कि ये शिवलिंग, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गोविंद रूप धारण किए श्री कृष्णा आदि। इस मंदिर के वेंटिलेटर्स भी पुराने स्टाइल के हैं, जाली नुमा। मुझे मंदिर में एक हैंडपम्प भी नज़र आ गया। मंदिर का परिवेश बहुत ही शांत है। यदि आप ध्यान में लीन होना चाहते हैं तो आप घंटों तक यहाँ बैठकर एकाग्र मन से ध्यान कर सकते हैं।
मुख्य बिल्डिंग चारों ओर से पार्क और गार्डन से घिरी हुई है, और इस पार्क में आकर आप योगा, ध्यान, वॉकिंग भी कर सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। 2 बजे मंदिर को दोबारा दर्शन के लिए खोला जाता है और रात 7 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो ये था तिनसुकिया का श्री शिव धाम। अब बात करते हैं वीडियो के आरंभ में लगे हुए उस पंडाल की, और क्या बात अनोखी थी इसकी इस वीडियो में, है ना? आपको भी जानना था, तो आप भी मेरे साथ इस चलती गाड़ी की खिड़की से झांकते रहे। ये वीडियो पिछले साल सितंबर की थी। एग्जाम्स और असाइनमेंट्स के चलते मैं ये वीडियो यहाँ अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। ये देखिए ये भीड़, इस भीड़ के ठीक आगे है एक पंडाल। ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने वो सुना, गणपति पापा मोरिया? जी हाँ, ये गणेश पूजा के पंडाल हैं। असम में गणेश पूजा के पंडालों पर एक कविता मैंने आपको लॉकडाउन के दौरान सुनाई थी, क्या आपको याद है? अगर याद नहीं है और आपने नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो ज़रूर जाके सुनिएगा। और ये देखिए, आपको देखने का मौका भी मिल गया। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है। जल्द वापस आऊँगी एक और ब्लॉग को लेकर। धन्यवाद।